BMW 3 सीरीज E90 और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसकी इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो इस कार में मेनली जो प्रॉब्लम है, इस कार में क्रैंकिंग होती है बट इसका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो अभी हम इस पर चेक करने वाले हैं कैसे क्या प्रॉब्लम है इस कार के अंदर। तो जैसा कि अभी हम आपको इसमें इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं, तो ये हमने इसके अंदर की ऑन, इग्निशन ऑन, देखिए अभी चेक लाइट शो कर रहा है बट ये कार स्टार्ट नहीं होगी। और ये देखिए इसके आई ड्राइव में ये काफ़ी सारे इसमें फोल्ड कोड जो है वो जनरेट है, ये देखिए। ओके, काफ़ी फोल्ड कोड है। सबसे मेन फॉल्ट है इसके फोल्ट इन ड्राइव और इंजन फोल्ट रिड्यूस पावर। तो ये इस तरीके से इसके अंदर कुछ फॉल्ट है। देखिए अभी मैं इस पर क्रैंकिंग करता हूँ, क्रैंकिंग होती है बट ये कार स्टार्ट नहीं होती है। ओके, तो अब सबसे पहले हम इस कार को स्कैन करेंगे, देखेंगे स्कैन करके क्या क्या फॉल्ट है इस कार के अंदर। तो करते हैं इस कार को स्कैन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। और इस साइड आप देख सकते हैं इसके आई ड्राइव में भी फोल्ड कोड आ रहे हैं और साथ ही साथ ये चेक लाइट भी आ रही है। और जो फोल्ड कोड है ये इस तरीके से भी शो कर रहा है, 86%, 90%, 95%। और जो फोल्ड कोड है ये देखिए स्कैन हो चुकी है गाड़ी। तो ये इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हम स्कैन करते हैं। तो DDM मेन रिले, एक्सेलेटर पेडल मॉड्यूल, सप्लाई वोल्टेज, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एक्टिवेशन, DDI इन यूनिट, इंटरनल फॉल्ट, ये देखिए ये भी इंटरनल कंट्रोल यूनिट फॉल्ट दिखा रहा है इसमें। ओके, ये वाला मेन, और ये मेन, ये मेन, ये मेन, ये मेन, और ये फोल्ड कोड। इसमें इसकी फ्यूज बॉक्स की लोकेशन को, तो जो इंजन कंपार्टमेंट में जो फ्यूज बॉक्स की लोकेशन है वो इस जगह पर है, यानी कि इसके पैसेंजर साइड में, लेफ्ट साइड। और इस साइड यहाँ पर फिटिंग है इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और यहाँ पर है इसके ये कुछ रिले। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ फ्यूज वगैरह इसमें लगी हुई है, कि 20 एम्पियर, 20 एम्पियर और 30 एम्पियर, 10 एम्पियर प्लस फिर 30 एम्पियर का ये फ्यूज कुछ लगे हुए हैं जो कि है इंजन से कनेक्टेड। और ये फ्यूज होते हैं बेसिकली फ्यूल पम्प, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल जितने भी इसके फ्यूल सिस्टम के जो सेंसर हैं उनके लिए ये फ्यूज बॉक्स इसमें ये फ्यूज लगा करके दिए हुए हैं। और यहाँ पर ये है इसकी मेन रिले, और इस साइड इसकी है एक रेडिएटर फैन रिले। ओके, और बाकी के जो फ्यूज बॉक्स की लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाकी की इसके पैसेंजर साइड, इसके ग्लोव बॉक्स के अंदर, यानी कि जैसे आप इसके ग्लोव बॉक्स को ऑन ओपन करते हैं तो इस ग्लोव बॉक्स को ओपन करने के बाद में आपको हटाने होते हैं ये इसके कुछ पार्ट्स वगैरह, इनको सबको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप ग्लोव बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको ये दो प्लास्टिक के स्क्रू हैं, इन दोनों स्क्रू को आपको हटाना होता है। और इस जगह पर ये फ्यूज बॉक्स में ये कवर है, इस कवर को आप हटा करके इस जगह से भी आप इसके फ्यूजों को चेक कर सकते हैं। तो इस जगह भी फ्यूज बॉक्स की ये लोकेशन है। ओके, तो अभी हम खोलते हैं इस प्लास्टिक स्क्रू को। और एक है इसके दूसरी साइड, तो ये इस तरीके से आप इसके फ्यूज बॉक्स के पैनल को, यानी कि इस कवर को आप हटा सकते हैं। ओके, और आप ये अंदर की साइड आप देख सकते हैं ये है इस जगह पर इसका फ्यूज बॉक्स। ओके, तो इस जगह भी आप इसके सभी फ्यूजों को चेक करना होता है क्योंकि ये कार जो स्टार्ट नहीं हो रही है इसमें मल फंक्शन इंडिकेटर जो लैम्प आ रहा है। सबसे पहले हम इसके फ्यूज बॉक्स को चेक करेंगे और पूरी वायरिंग हार्नेस हम इसकी चेक करेंगे। तो ये फ्यूज बॉक्स की दूसरी लोकेशन है जिस जगह पर इसका सेकंड फ्यूज बॉक्स फिटिंग है। तो ये जो फ्यूज बॉक्स की लोकेशन है ये है इसके लेफ्ट साइड पैसेंजर डोर के डैशबोर्ड के अंदर की साइड, यानी कि इसका जो ग्लो बॉक्स है इसके अंदर की साइड इसकी फ्यूज बॉक्स की लोकेशन है। और जो थर्ड फ्यूज बॉक्स की लोकेशन है वो है बगी के अंदर, यानी कि इसके बूट में। ओके, तो जो थर्ड फ्यूज बॉक्स है तो इस जगह पर भी इसके बैटरी पर कुछ फ्यूज वगैरह इसमें यहाँ पर मेंशन करके दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ पर भी इस जगह पर भी कुछ फ्यूज वगैरह इसमें फिटिंग है, और यहाँ बैटरी टर्मिनल पर भी इसमें फ्यूज वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये सारी जगह के आपके फ्यूज इसमें चेक करने होते हैं। तो इन जगह के हम इसमें अभी फ्यूजों को चेक करेंगे।
तो यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं इसके सभी फ्यूजों को चेक। तो यहाँ पर हमें फ्यूज बॉक्स हमें चेक करने होते हैं, फ्यूज इसकी कंटिन्यूटी पर करके इस तरीके से। सारे फ्यूज सभी ओके हैं, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने इसके जो फ्यूज थे ये सभी फ्यूज हमने इसके चेक कर लिए हैं। तो फ्यूज सभी ओके हैं, पावर सप्लाई भी ओके है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये है इसके कवर, तो इस कवर को अभी हम इस जगह पर लगा देते हैं। ओके, तो ये हमें लगाना होता है कवर कुछ इस तरीके से। तो जो कवर था हमने खुला हुआ था, ये कवर हमने लगा दिया है। हम अंदर के जो फ्यूज है इसके वो भी चेक करेंगे साइड। तो सभी फ्यूज चेक करने के बाद अब खोलते हैं हम इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इसका ECM। तो खोलते हैं इसके ECM को। चेक कर रहे हैं तो इसका जो ECU है वो काफ़ी हीट हो रहा है, यानी कि काफ़ी गर्म है ये ECM इस समय। ये था इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि इसका ECM। ओके, तो अभी एक बार हम इसको चेक करेंगे। तो ये काफ़ी हीट हो रहा है अभी सब प्रेजेंट में, काफ़ी गर्म है अभी। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को खोलेंगे। ये सभी स्क्रू को हमें खोलना होता है। ओके, तो इसके सारे स्क्रू खोल करके हम चेक करेंगे इसके ECM को। तो अभी हमने इस जगह से इसके ऑलरेडी 3 स्क्रू थे ये लूज कर दिए हैं और इस साइड भी कर दिए हैं। तो इस स्क्रू के हिसाब से हमें लग रहा है ये ECM ऑलरेडी पहले भी रिपेयर हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ये ECU जो होता है ये सील्ड होके आता है कंपनी से, तो इसका जो कवर है स्क्रू खोलने के बाद ईजिली खुल रहा है। तो ये इस तरीके से हमने जो इसके स्क्रू थे इसके हटा दिए हैं और ये इसका जो कवर है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर खोलते ही ये आप हीट का मार्क देख सकते हैं, इस जगह पर हीट हो गया है। ओके, और ये देखिए ये इसकी जो मॉस्फेट है ये ओल्ड, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। तो ये मॉस्फेट इसकी ख़राब होने की वजह से ही इसका जो ECU है परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। पूरा ECM एक तरीके से हीट हुआ, ये देखिए इस जगह इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी सोल्डिंग है पूरी। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है इसके ECU में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस ECU को हम यहाँ से इसकी जो IC है इसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम सीधे इसको रिप्लेस करेंगे इस कंट्रोल मॉड्यूल को। तो और जो भी इसका डाटा वगैरह है, यानी कि जो भी इसकी प्रोग्रामिंग है, उस पूरी कम्प्लीटली इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी फिटिंग कर देते हैं इस ECU के कवर को, क्योंकि ये जो ECU है ये रिपेयर की कंडीशन पे नहीं है। और ये कार जो अगर हमारे पास आई भी हुई है तो ऑलरेडी पहले भी किसी मैकेनिक ने, किसी टेक्नीशियन ने चेक की होगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इस कार का जो कंट्रोल मॉड्यूल था, यानी कि जो इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो ख़राब हो चुका था ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, ओके, जो शॉर्ट हो गया इसका कंट्रोल मॉड्यूल, तो उसको हम अभी रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये है इसका न्यू इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, तो यानी कि मैं इस ECM को इसमें फिक्स करने वाला हूँ इस कार के अंदर। और ये ECM बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सोल्ड है, एक तरीके से बिल्कुल फिक्स है, कैसी भी कहीं से कोई लोजिंग वगैरह नहीं है। और ये था इसका पुराना इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, तो मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। ये जो इसका पुराना वाला कंट्रोल मॉड्यूल था उसको ये इस जगह से शॉर्ट हो चुका है, और जो नया कंट्रोल मॉड्यूल है वो हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं। ओके, तो ये है इसका नया ECM और ये है इसका ओल्ड ECM, यानी कि जो कार के साथ लगा हुआ था ECM वो ये वाला है। और मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ इस वाले ECM को, तो इस ECM को मैं इसमें स्वैप करूँगा। ओके, तो ये देखिए ये जो ECM था ये इस जगह से बिल्कुल बेकार हो चुका है, यानी कि जो इसकी मॉस्फेट है ये ख़राब हो चुकी थी। तो और हमने इसको रिपेयर करने की कोशिश भी की, बट इसमें प्रॉब्लम ये है हमारे पास जो मॉस्फेट है वो है 2.5 वोल्ट की, और ये जो मॉस्फेट है ये है 5 वोल्ट की। तो सीधा सीधा इसमें 2.5 वोल्ट और 5 वोल्ट का सीधा सीधा फ़र्क था। हमारे पास जो मॉस्फेट थी वो 2.5 वोल्टेज की थी और ये है 5 वोल्टेज की। तो जब 5 वोल्टेज की मॉस्फेट उड़ सकती है तो मैं 2.5 वोल्ट की डालूंगा, तो वो तो मुश्किल से मुश्किल 10-5 मिनट के अंदर ही ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसका जो ECM है इसको रिप्लेस कर रहा हूँ।
तो ये है बिल्कुल एकदम सील्ड पैक जेन्युइन BMW पार्ट। ये आप इस यहाँ पर आप देख सकते हैं BMW पार्ट नंबर है ये इसका इस जगह पर। और ये देखिए, ये था इसका कंट्रोल मॉड्यूल की बॉडी, और ये इस जगह पर आप इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं। तो ये सेम पार्ट है, ओके, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ECM यानी कि एक है इसमें न्यू ECM और एक है इसमें ओल्ड ECM। तो जो ऊपर वाला ECM है, ये वाला, ये है इसका पुराना ECM। तो हम इस ECM को अभी हटा देते हैं, ओके। तो करते हैं इसमें इस ECM को रिप्लेस। तो अभी हम ये पुराना वाला ECM रख देते हैं इसके डिग्गी में, यानी कि इसके बूट में, ओके। डिग्गी करते हैं क्लोज और लगाते हैं इस न्यू वाले ECM को इस कार के अंदर। और साथ ही साथ हम करेंगे इसकी कुछ और कुछ सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके जो TCM है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको भी इससे हम प्रोग्राम करेंगे। इसके ABS को भी हम इससे प्रोग्राम करेंगे। इसके एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को भी हम इससे प्रोग्राम करेंगे। इसका स्टेबलाइज कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको भी हम इससे प्रोग्राम करेंगे। इसकी पावर स्टीयरिंग, इसको भी हम इससे प्रोग्राम करेंगे। तो यानी कि जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल है, वो सभी कुछ इस ECM से हमें प्रोग्राम करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको उसकी लोकेशन पर फिटिंग करना है। तो आपको फिटिंग करते टाइम ये आपको दो सॉकेट होते हैं, इन दोनों सॉकेटों पर आपको यूज करना होता है जोरेक स्प्रे। इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है। इसके जो वायरिंग के सॉकेट है, इसको अच्छे से क्लीन करना है। ओके, और इसके बाद ही आपको इस ECM पर लगाने हैं इसके वायरिंग सॉकेट। ओके, तो यहाँ पर जो फोल्ड कोड है, ये आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो अभी हमें ये सारे फोल्ड कोड इसके क्लियर करने हैं, और उसके बाद ही हम करेंगे इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से प्रोग्राम, इसकी इग्निशन की और इसके ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल को। और साथ ही साथ प्रोग्राम करेंगे हम इसके आई ड्राइव को, यानी कि जो इसकी स्क्रीन है, ये आई ड्राइव है, इस आई ड्राइव को भी प्रोग्राम करना होता है इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से। तो इसके लिए अभी हमें इग्निशन स्विच ऑन करना है। तो इग्निशन स्विच हमने ऑन कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्ड कोड हैज बीन रीसेट। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। तो डायग्नोस करेंगे, तो इस जगह पर हमने फिटिंग कर दिया है इसका ये न्यू इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और यहाँ पर फिटिंग है इसकी ये फ्यूज बॉक्स। तो इस जगह पर हमने सभी फ्यूजों को इसको चेक कर लिया था, इसके ये रिले थी, इन रिले बॉक्सों को भी हमने चेक कर लिया है, ओके। तो अभी करते हैं हम इस कार की प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करेंगे इसके सभी कंट्रोल मॉड्यूल की, यानी कि इसके ABS, एयरबैग, इसके ट्रांसमिशन, और जो पुराना ECM था वो हमने रखा हुआ है इसके इस बूट में, ओके। तो इस जगह पर है इसका ये पुराना इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो यह है इसका स्कैन टूल। तो अभी दूसरा ECM डालने के बाद भी यहाँ पर जो फोल्ड कोड है वो कुछ इस तरीके से इसमें शो कर रहे हैं, DSC फेलियर, FTM सिस्टम नॉट, इंजन फोल्ड, रिड्यूस पावर। तो यहाँ पर आपको वेट करना होता है पूरा इसकी प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रेस को 100% होने का। तो यहाँ पर बेसिकली अभी मैं करने वाला हूँ उसकी डोर, विंडो, रिमोट, इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर, ओके, और डायग्नोसिस कनेक्टर, लाइट, हीटर एंड AC एंड अदर्स में हमारे आते हैं ABS, एयरबैग और कुछ डोर कंट्रोल मॉड्यूल और AC कंट्रोल मॉड्यूल,
ये कुछ इसमें मॉड्यूल होते हैं जो कि आते हैं, तो वो हमें सारे ये कंट्रोल मॉड्यूल इसके प्रोग्राम करने हैं इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से। तो अभी हम ये सारे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को प्रोग्राम कर रहे हैं इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से। तो बेसिकली मैं आपको ये नहीं दिखा सकता हूँ ये मैं किस तरीके से इसमें प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारा जो मेन जो भी इसका प्रोग्राम का फीचर्स है ये सब कुछ सिक्योरिटी रीजन में रहता है, इसलिए मैं सिक्योरिटी की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ओके, तो मैं करता हूँ उस चीज़ को प्रोग्राम, और प्रोग्राम करने के बाद ही मैं आपको चेक कराऊंगा इस कार को स्टार्ट करके। और ये अभी आप देख सकते हैं अभी हमने जो इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल दूसरा डाला हुआ है उसके बाद भी अभी इसमें इंजन में फोल्ड कोड शो कर रहा है, यानी कि अभी भी ये कार लिंप मोड में है। तो अभी मैं ये सारे फोल्ड कोड हटाने वाला हूँ उसके दूसरा ECM डालने का। जैसे ही मैं इस कार को प्रोग्राम कर दूंगा तो ये EC लाइट जो ऑन है ये प्रोग्राम करते ही ये लाइट ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो अभी करते हैं इसको प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो इसकी प्रोग्रामिंग थी वो पूरी कम्प्लीटली हमने कर दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले इसमें लाइट यहाँ इस जगह पर शो कर रही थी वो ऑफ हो चुकी है, और आई ड्राइव पर भी आप देख सकते हैं नो फोल्ड कोड हो चुका है। ओके, तो जो कम्प्लीटली प्रोग्रामिंग थी वो पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है, और अभी हम करने वाले हैं इस कार को स्टार्ट, और मैं आपको चेक कराने वाला हूँ उस कार को स्टार्ट करके। इस जगह पर ये है इसकी इग्निशन की, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सेंट्रल लॉकिंग और प्रोग्रामिंग चेक करा देता हूँ। ये देखिए लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक। ओके, तो इस जगह पर हमने इसकी की को इंस्टॉल किया, इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ही। तो मैंने आपको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको शो करा दिया है किस वजह से ये कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो कार है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुकी है, और अभी इसके अंदर जो चेक लाइट है ये अभी ऑन है। ओके, तो ये चेक लाइट किस वजह से ऑन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कार को मैंने स्कैन किया था प्रोग्रामिंग के बाद में, इस कार में बेसिकली अभी कुछ सेंसर ख़राब है और इसका जो मैनिफोल्ड है वो लीकेज है। इस लीकेज की वजह से ये चेक लाइट भी आ रही है, क्योंकि इसका जो बूस्ट प्रेशर है यानी कि जो इसका टर्बोचार्जर का जो बूस्ट प्रेशर है वो लीकेज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये चेक लाइट भी बन रही है। और ये प्रेशर मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ ये किस जगह से लीकेज है इसका इंटरकूलर। ये देखिए इंजन स्टार्ट हो चुका है, अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार में। ओके, और इस जगह से लीकेज है इसका इंटेक मैनिफोल्ड। तो जो इंटेक मैनिफोल्ड लीकेज है वो इस जगह से है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि जो इसका इंटेक मैनिफोल्ड है वो क्रैक है इस जगह से, और ये पूरा एरिया इतना जो एरिया हो रहा है। ओके, तो कम्प्लीटली अभी करते हैं हम इस कार की बाकी की पूरी फिटिंग। तो इस जगह पर हम फिटिंग करेंगे इसका फ्यूज बॉक्स कवर, तो लगा देते हैं इसका फ्यूज बॉक्स कवर लगा देते। तो मेन जो प्रॉब्लम थी इस कार के अंदर वो थी इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की, वो हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है, और साथ ही साथ हमने इसकी कर दी है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग करने के बाद में हमने इस कार को स्टार्ट भी कर दिया है, इंजन स्टार्ट है। ओके, और जो अभी चेक लाइट वगैरह इसमें ऑन है वो है इसके इंटेक मैनिफोल्ड, इसका क्रैक है, क्रैक होने की वजह से इस जगह से इसका लीकेज हो रहा है, इसका टर्बोचार्जर का बूस्ट प्रेशर, तो उसकी वजह से जो सिस्टम है ECM है वो डिटेक्ट कर रहा है किस जगह पर प्रॉब्लम है। तो ये दिखा रहा है अभी इसके आई ड्राइव में रिड्यूस पावर, और जो रिड्यूस पावर होता है BMW में वो बेसिकली होता है टर्बोचार्जर का प्रेशर लीकेज होने की वजह से। ओके, तो आप देख सकते हैं इंजन फोल्ड रिड्यूस पावर, तो ये फोल्ड कोड बन रहा है इस कार के अंदर अभी, और अभी हम इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम थी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर वो हमने आपको दिखा दिया इस वीडियो में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की जो प्रॉब्लम थी वो हमने इसमें हटा दी है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है, और साथ ही साथ हमने इसको प्रोग्राम कर दिया। प्रोग्राम करने के बाद हमने इसके ECM को इस कार में लगा करके स्टार्ट भी कर दिया इस कार को, और ये देखिए मैं एक्सलेट करता हूँ। तो जो एक्सलेट करने पे अलग ही एक नॉइज आ रही है आगे से, जैसे ही विजुअल साउंड आ रहा है जिस जगह से इसका जो मैनिफोल्ड लीकेज है आप सुन सकते हैं वो साउंड, मैं आपको भी सुनाता हूँ। तो ये टर्बोचार्जर का जो बूस्ट प्रेशर है वो लीकेज होने की वजह से ही इस कार में ये फोल्ड कोड बन रहा है, और अभी हम इस सारे फोल्ड कोड को क्लियर करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है इसके मैनिफोल्ड को देखते हैं, अगर वो रिपेयर की कंडीशन में होगा तो हम उसे रिपेयर भी करेंगे, उसके लिए मैं अलग से एक दूसरा वीडियो पोस्ट करूँगा। तो इस कार में हमने किया था इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रिप्लेस, तो ये कार थी BMW 3 सीरीज, और साथ ही साथ हमने रिप्लेस के साथ साथ हमने इसमें प्रोग्रामिंग की हुई थी। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने इस कार का जो इंटेक मैनिफोल्ड था
उसको खोल करके अच्छे से हमने क्लीन करके इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। जो इस जगह से लीकेज था पहले इसका इनटेक मैनिफोल्ड इसके इंटरनल साइड से, वो कम्प्लीटली हमने इसको अच्छे से हमने रिपेयर कर दिया है और अब कैसी भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार अभी हम आपको कार को स्टार्ट करके चेक कराते हैं जो इसके अंदर पहले जो साउंड थी वो सॉल्व हुई या नहीं। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। स्टार्ट करके एक्सीलेटर लगा जरा। साउंड आ रही थी कार के अंदर, वो बंद हो चुकी है। एक्सीलेटर कर। ओके, तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है क्योंकि इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड था वो लीकेज था, उसकी वजह से इस कार में काफ़ी ये नॉइज आ रही थी, विजिबल साउंड आ रही थी, सीटीसी बजा रहा था ये। ओके, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। और साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया है इस कार के अंदर जो प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग के लिए वो थी इसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि ECM की, तो वो ECM हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है। ओके, और जो भी इसमें चेकलाइट वगैरह जो इंडिकेशन मॉल लैम्प वगैरह थे वो भी मैंने आपको इसके फोल्ड बोर्ड सारे कुछ शो कर दिए हैं किस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई थी इस कार के अंदर। और अभी हमने इस कार की जो भी ECM चेंज होने के बाद जो भी इसमें प्रोग्रामिंग होती है वो सारी प्रोग्रामिंग हमने इसमें क्लियर कर दी है। अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। तो अभी हम कर रहे हैं इसका हेडलाइट और बम्पर वगैरह कुछ छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं उनको एडजस्टमेंट सेटिंग कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, आपने कम्प्लीट पूरी वीडियो में देखा हमने इस कार का किया था ECM रिप्लेस, और ECM रिप्लेस करने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम हमने इसमें सॉर्ट कर दी। और अभी मैं इस कार की टेस्ट ड्राइव लेकर चेक करा रहा हूँ आपको। अभी मेरी कार जो है 60 की स्पीड से ऊपर है। ओके, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, प्रेजेंट में एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। और ना ही कोई इंडिकेशन, ना ही कोई लैम्प, ना ही कोई लो पिकअप की वार्निंग, कैसे भी कहीं कोई परेशानी नहीं है इस कार के अंदर। एकदम परफेक्टली सारे काम हो रहे हैं। ओके, तो इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको वीडियो में शो कर दिया। इस कार में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो था वो हमने रिप्लेस किया हुआ है, उसको साथ ही साथ इसको कोड किया हुआ हमने इसके ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल से, इसके ABS कंट्रोल मॉड्यूल से। ओके, जितने भी एक्चुअली इन कारों में होता है कंपोनेंट प्रोटेक्शन मोड, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल को दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल से प्रोग्राम करना होता है, यानी कि उसको VIN रजिस्ट्रेट करना होता है। इस कार का जो VIN नंबर है उस ECU से हमें रजिस्ट्रेट करना होता है, जिससे कि जो एक कंट्रोल एरिया नेटवर्क है जिसको हम CAN बोलते हैं, वो एक तरीके से अच्छी तरीके से, यानी कि वो एक पूरा सिग्नल देता है किसी व्हील को और किसी व्हील से दूसरे व्हील को, इस तरीके से वो सिग्नल जो होता है वो कंट्रोल एरिया नेटवर्क काम करता है। CAN कम्युनिकेशन वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।